हेलो नमस्कार दोस्तों, फिजिकल एजुकेशन गुरुजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पीटीआई ग्रेड थर्ड की विज्ञप्ति जारी हो चुकी है और अपने इस चैनल पर शारीरिक शिक्षा के जो सेकंड पेपर है यानी पीटीआई के अंदर जो सेकंड पेपर आएगा उसकी प्रिपरेशन की बेहतर बनाने के लिए एमसीक्यू की सीरीज चल रही है। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। इस वीडियो के अंदर अपने डिस्कस करने वाले हैं 61 से लेकर 110 मोस्ट इंपॉर्टेंट जो ओलंपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनके बारे में अपने डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपने 1 से 60 तक की वीडियो नहीं देखी तो आपको ऊपर आई बटन में दिख जाएगी, इस वीडियो के बाद आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन शुरू कर लेते हैं। जो दोस्तों पहला क्वेश्चन है, आधुनिक ओलंपिक खेलों में शुभंकर की प्रथा कहाँ से शुरू हुई, कहाँ से शुरू हुई दोस्तों? इसका राइट आंसर है दोस्तों 1968 ग्रेनोबल के अंदर से ये प्रथा शुरू की गई थी। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, प्राचीन ओलंपिक में पहला विजेता खिलाड़ी जिसने स्टेडियम दौड़ जीती कौन था दोस्तों? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों करोबस। कौन था दोस्तों? करोबस इसका राइट आंसर है। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, किस शासक ने प्राचीन ओलंपिक खेलों पर प्रतिबंध लगाया, किसने प्रतिबंध लगाया दोस्तों? थियोडोसिस फर्स्ट ने, और इसको जो ग्राउंड थे उनको ध्वस्त करवाने का काम किया थियोडोसिस जो सेकंड था उसने ग्राउंड को ध्वस्त करवा दिया गया था। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया दोस्तों? तो इसका राइट आंसर है डेमेट्रियस विकेलस। कौन दोस्तों? डेमेट्रियस विकेलस। और अगला जो प्रश्न है दोस्तों, किस ओलंपिक में प्रथम बार शपथ ली गई, कब ली गई दोस्तों? 1920 एंटवर्प ओलंपिक में, कब? 1920 एंटवर्प ओलंपिक। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, कौन से ओलंपिक में भारत ने हॉकी में अपना पहला स्वर्ण पदक जीता, कौन सा ओलंपिक था दोस्तों? तो इसका राइट आंसर है 1928 एम्स्टर्डम ओलंपिक में। कौन से ओलंपिक में दोस्तों? 1928 एम्स्टर्डम ओलंपिक के अंदर। अगले प्रश्न की डिस्कस कर लेते हैं। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, किस ओलंपिक में खिलाड़ियों के लिए पहली बार खेल गाँव बनाए गए, कौन से ओलंपिक में बनाए गए दोस्तों? 1932 लॉस एंजलिस के अंदर बनाए गए। अगला प्रश्न है दोस्तों, हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल अमरावती ने किस ओलंपिक में शारीरिक गतिविधियों का प्रदर्शन किया, किसमें किया दोस्तों? 1936 बर्लिन ओलंपिक के अंदर। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस ओलंपिक में भारतीय फुटबॉल टीम को चौथा स्थान प्राप्त हुआ, कौन सा वो ओलंपिक था जिसके अंदर भारतीय टीम को चौथा स्थान प्राप्त हुआ? तो 1956 मेलबोर्न जो ओलंपिक था उसके अंदर भारतीय फुटबॉल टीम को चौथा स्थान प्राप्त हुआ। अगला प्रश्न डिस्कस कर लेते हैं, एशिया में पहली बार ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित हुए, कहाँ आयोजित हुए दोस्तों? टोक्यो। कहाँ? टोक्यो के अंदर। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, ओलंपिक एंथम प्रथम बार किस ओलंपिक में गाया गया, तो इसका राइट आंसर है 1960 रोम ओलंपिक के अंदर गाया गया। अगला प्रश्न है दोस्तों, ओलंपिक खेलों का उद्घाटन किसके द्वारा किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों? मेजबान देश का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है उसके द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न डिस्कस कर लेते हैं, क्रिकेट खेल के ओलंपिक में पहली बार कब शामिल किया गया, क्रिकेट जो खेल था उसको ओलंपिक के अंदर पहली बार कब शामिल किया गया? वर्तमान में ओलंपिक में क्रिकेट को शामिल नहीं किया गया है, बाद में उसको हटा दिया गया था, लेकिन एक बार इसको ओलंपिक में शामिल किया गया था, तो कब किया गया था? 1900 पेरिस ओलंपिक के अंदर इसको शामिल किया गया था। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ियों ने प्रथम बार कब भाग लिया, प्रथम बार कब भाग लिया दोस्तों? 1920 एंटवर्प ओलंपिक के अंदर। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, पहली बार ओलंपिक ज्वाला को मिसाल द्वारा कब प्रज्वलित किया गया, कब प्रज्वलित किया गया दोस्तों? 1936 बर्लिन ओलंपिक के अंदर। अगले प्रश्न पर डिस्कस कर लेते हैं, आधुनिक ओलंपिक में ब्लू रिबन स्पर्धा के नाम से किसे जाना जाता है, किसे जाना जाता है दोस्तों? तो 100 मीटर जो दौड़ होती है उसको ब्लू रिबन स्पर्धा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के प्रथम ओलंपियन जिन्होंने व्यक्तिगत स्पर्धा में 2 पदक जीते कौन है दोस्तों? सुशील कुमार। कौन है? सुशील कुमार। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाई
एल्टीट्यूड पर पहली बार ओलंपिक खेल कब और कहां आयोजित हुए? कब और कहां आयोजित हुए दोस्तों? 1968 मैक्सिको के अंदर। अगला प्रश्न है, एच सी बक के नेतृत्व में भारतीय टीम ने किस ओलंपिक में भाग लिया? किस ओलंपिक में भाग लिया दोस्तों? 1924 पेरिस ओलंपिक के अंदर। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय ओलंपिक समिति के अंतर्गत आधिकारिक तौर पर भारत ने प्रथम बार किस ओलंपिक में भाग लिया? आधिकारिक तौर पर किस ओलंपिक में भाग लिया दोस्तों? 1928 एम्स्टर्डम ओलंपिक के अंदर। अगला प्रश्न है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष के तौर पर सबसे लंबा कार्यकाल किसका रहा? तो इसका राइट आंसर है पियर डी कुबर्टिन का, सबसे लंबा काल माना जाता है पियर डी कुबर्टिन का। तो अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में ओलंपिक खेलों का प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? किसे दिया जाता है दोस्तों? दोराबजी टाटा। किसे दिया जाता है? दोराबजी टाटा को। अगला प्रश्न है दोस्तों, अंतरिम ओलंपिक खेलों का आयोजन कब किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 1906 ईस्वी के अंदर शुरू किया गया। अगले प्रश्न की डिस्कस कर लेते हैं, आधुनिक ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में महिलाओं ने प्रथम बार किस खेल में भाग लिया था? किस खेल में भाग लिया दोस्तों? टेनिस खेल के अंदर भाग लिया था। अगला प्रश्न है, भारत ने पहली बार कौन से ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक खेलों में भाग लिया था? तो इसका राइट आंसर होगा 1968 ओलंपिक में भाग लिया था। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं, कौन से ओलंपिक खेलों में हॉकी स्पर्धा पहली बार एस्ट्रोटर्फ पर आयोजित की गई? किसके अंदर की गई दोस्तों? 1976 जो मॉन्ट्रियल ओलंपिक हुए थे उस पर हॉकी स्पर्धा जो एस्ट्रोटर्फ पर खिलाई गई थी। अगले प्रश्न पर डिस्कस कर लेते हैं, शारीरिक शिक्षा प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार है, यह किसमें शामिल होता है? किसमें शामिल होता है दोस्तों? तो इसका राइट है यूनेस्को की घोषणा के अंदर। किसमें? यूनेस्को की घोषणा के अंदर। अगला प्रश्न है, जीएस देवता की पत्नी के सम्मान में आयोजित महिलाओं का उत्सव था, कौन सा उत्सव था दोस्तों? हेरियन। कौन सा? हेरियन। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन से वर्ष ओलंपिक खेलों का आयोजन हुआ था? कौन से वर्ष में ओलंपिक खेलों का आयोजन हुआ था? 1936 ईस्वी बर्लिन के अंदर जो हुआ था। कौन से ओलंपिक में हुआ? 1936 के अंदर। अगला प्रश्न है दोस्तों, ओलंपिक खेलों के समापन अवसर पर कौन सा ध्वज नहीं फहराया जाता? कौन सा ध्वज नहीं फहराया जाता दोस्तों? तो विजेता देश का ध्वज नहीं फहराया जाता। अगला है दोस्तों, ओलंपियाड से क्या तात्पर्य है? ओलंपियाड से क्या तात्पर्य है? ओलंपियाड से तात्पर्य है कि दो ओलंपिक खेलों के मध्य की जो अवधि, यानी दो ओलंपिक, जैसे ओलंपिक के बीच का अंतराल 4 साल का होता है, उस बीच के अंतराल को क्या कहते हैं? ओलंपियाड कहते हैं। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, ओलंपिक ध्वज के विभिन्न रंगों के जुड़े हुए छल्ले क्या प्रदर्शन करते हैं? क्या प्रदर्शन करते हैं दोस्तों? विश्व एकता। कौन सी? विश्व एकता प्रदर्शित करते हैं। प्रश्न है दोस्तों, प्रथम बार आधिकारिक तौर पर पैरालंपिक खेलों का आयोजन किस वर्ष हुआ? किस वर्ष हुआ दोस्तों? 1960 रोम ओलंपिक के में आधिकारिक तौर पर पैरालंपिक की शुरुआत की गई। अगला जो प्रश्न है, भारत ने प्रथम बार कौन से ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक खेलों में भाग लिया? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 1968 मैक्सिको पैरालंपिक के अंदर। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रथम युवा शीतकालीन ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई? तो इसका राइट आंसर है इस्ब्रुक 2012 के अंदर। अगला प्रश्न है, प्रथम ग्रीष्मकालीन युवा ओलंपिक खेलों की शुरुआत कहाँ हुई? कहाँ हुई दोस्तों? 2010 सिंगापुर के अंदर। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत की और से अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के प्रथम सदस्य किसे चुना गया? किसे चुना गया? दोराबजी टाटा को चुना गया। अगला प्रश्न है, भारतीय ओलंपिक संघ का गठन किस वर्ष किया गया? किस वर्ष किया गया दोस्तों? 1927 ईस्वी के अंदर किया गया। अगला प्रश्न है, निम्न में से मिसाल को एथेंस से ओलंपिक खेलों के स्थल तक ले जाने की परंपरा का प्रारंभ करने वाला व्यक्ति था, कौन था दोस्तों? एडोल्फ हिटलर। कौन था? एडोल्फ हिटलर। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेल किसके नियंत्रण में खेले गए थे? किसके नियंत्रण में खेले गए थे दोस्तों? किंग जॉर्ज फर्स्ट। कौन है? किंग जॉर्ज फर्स्ट। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, ग्रीक भाषा में एथलीट शब्द का अर्थ होता है, क्या अर्थ होता है दोस्तों? मुद्रा अर्जक। क्या होता है? मुद्रा अर्जक। अगला जो प्रश्न है, खिलाड़ियों द्वारा अपने प्रदर्शन को उच्च बनाने के लिए नशीली दवाइयों का उपयोग किए जाने लगा, यह जानकारी कौन से ओलंपिक में प्राप्त हुई दोस्तों? 1960 रोम ओलंपिक के अंदर प्राप्त हुई। अगला जो प्रश्न है,
प्राचीन ओलंपिक खेलों में कब प्रतिबंध किया गया, कब प्रतिबंध किया गया दोस्तों, 394 ईस्वी के थियोडोसियस जो सेकंड था उसने प्राचीन ओलंपिक खेलों के ग्राउंड जो ध्वस्त कर दिए और उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से विश्व युद्ध के कारण कौन से ओलंपिक खेलों का आयोजन नहीं किया जा सका था, इसका राइट आंसर है 1940 में जो ओलंपिक था वो नहीं किया जा सका। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, 1896 में प्रथम ओलंपिक खेलों का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, किसके द्वारा किया गया, किंग जॉन फर्स्ट के द्वारा। अगला प्रश्न डिस्कस कर लेते हैं, ओलंपिक खेलकूद में प्रत्येक इवेंट में किसी देश की कितनी प्रविष्टियों की अनुमति होती है, कितनी प्रविष्टियों की अनुमति होती है दोस्तों, 3। अगला जो प्रश्न है, रियो ओलंपिक खेल में दीपा कर्माकर ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया स्पर्धा में किया था, कौन सी स्पर्धा में किया था दोस्तों, वर्ल्ड स्पर्धा के अंदर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्राचीन ओलंपिक खेलों में किस राजा ने अधिकारियों को रिश्वत देकर पारितोषित जीते थे, कौन से राजा ने दोस्तों, किंग नीरो, कौन थे, किंग नीरो। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, ओलंपिक आदर्श वाक्य में सीटीएस का अर्थ होता है, सीटीएस का अर्थ होता है दोस्तों तेज। ओलंपिक खेलों में भारतीय दल की भागीदारी को नियंत्रण करने वाला निकाय कहलाता, कौन सा निकाय कहलाता दोस्तों, आईओए कहलाता है दोस्तों। आज अपन बात किए प्रश्न संख्या 61 से लेकर 110 तक, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, अगर कोई वीडियो में कोई प्रश्न में आपको कंफ्यूज लगता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, आपकी राय सर्वोपरि होगी, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको यहाँ मिलती रहती है, तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, आपकी तैयारी को और बढ़िया बेहतर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।